की प्रकाष्ठा है, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। अगर लखीमपुर की घटना देखते हैं, बेचारे आंदोलनकारी किसान, वो उनको पीछे से आके गाड़ी चढ़ाई जाती है, और वो कौन लोग हैं जो उन्हें डिफेंड करने के लिए और वीडियो चलाते हैं। कलंक हो आप लोग देश का यार, कलंक हो आप लोग देश का। आपने हत्या की है, निर्दोष लोगों की हत्या की आपने। परिचय दें। मेरा नाम प्रदीप वर्मा गुजर एडवोकेट है, और इस जब से ये कोविड आया था और करने को कुछ नहीं था, तो इन्हीं बड़े भाई साहब ने समाज के, बिरादरी के और किसानों के काम पे लगाने का हुक्म दे दिया मेरे को। तब हमने जूम, स्काइप और जो भी कनेक्ट करने का मैटर पूरे हिंदुस्तान के किसान कुनबे से हो सकता था, हमने हर संभव कोशिशें करके बहुत लोगों को इस परिवार के साथ जोड़ा है। और ये एक संकलित किताब है जिसका शीर्षक है व्रत कुणबे की सामाजिक गाथा। इसमें गुजर, अहीर, कुणबी, जाट, राजपूत, ये सारा एक किसान कुनबा है। व्रत कुणबा, बड़ा परिवार की सामाजिक यात्रा, वो कैसे रन किए, कैसे बटे, कहाँ एक है, आपकी जड़ें एक हैं। किसान परिवार जो हैं, इसकी एक ही जड़ है सबकी। ये अगर बैकवर्ड हम स्क्रॉल करेंगे तो ये समझ में आएगा कि किसान कुनबे की जड़ें एक हैं। इनका डिवीज़न गलत हितों से हुआ। इस किताब में पूरा बिरादरियों का इतिहास है। ये खास करके गुजर लेखकों का संकलन है एक जगह करना, और इसमें उद्देश्य ये जो इसकी भूमिका या इसमें जो लेख हैं उसको आप पढ़ेंगे और पाएंगे, ये समझेंगे कि हम सब किसान कुनबा हैं, हम बिरादरियां बाद में हैं, पहले हम किसान हैं। वकील साहब, किसानों की तमाम मनोदशा पे आपने चर्चा की होगी, आपने बिल भी पढ़े होंगे, जायज बात है कि आपने इस पूरे प्रकरण को देखा भी होगा। क्या लग रहा है आपको कि इसका आगे भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? हम पहले तो जो सरकार बार बार पूछती है कि इन कानूनों में काला क्या है, हमें बताएं, तो भैया आप बताएं कि इसमें सफ़ेद क्या है, सरकार बताए कि इनमें सफ़ेद क्या है, हम काला बाद में बता देंगे, आप सफ़ेद बता दो। आपका तो हिडन एजेंडा है, आप तो देश बेचने पर निकल गए हो, पूरी तरह से इस देश को बर्बाद करने की तरफ ले जा रहे हो। अब बर्दाश्त से बाहर है, अब जाग रही हैं बिरादरियाँ। हालिया जो आके योगी जी ने मेहर भोज प्रकरण में इस किसान कुनबे को तोड़ने की कोशिश की है, मैं भर्त्सना करता हूँ। ये हमें राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त या राष्ट्रद्रोही होने के सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं आए, हम इन्हें नारंगी खटमल कहते हैं, और ये नारंगी खटमल ख़त्म होगा, ये वचन, अहद और वादा है मेरा। धन्यवाद। लखीमपुर घीरी की घटना पूरे विश्व के माथे पे कलंक है। सत्ता की ताकत का गंदा प्रदर्शन और दुरुपयोग है। ये जॉम्बीज पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जॉम्बीज जो दूसरे को काट देंगे, कुचल देंगे, मार देंगे। प्रकाष्ठा है ये जुल्म जो है जुडिशियल विधायक में उसमें आ रही है, सवाल जुडिशियल में भी सवाल उठ रहा है। जुडिशियल तो सवाल उठेगा ही सर, जुडिशियल, ये तो हत्या है, खुली आंखों देखा अपराध है, इसे ओपन एंड शट केस। क्या बचा इस देश में? आप सत्ता की ताकत के दम पे हमको, हम लोगों को कुचल के मार देंगे? डूब मरना चाहिए अगर नैतिकता इस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में, तो इस्तीफा दे देना चाहिए इनको। लगातार जो मंत्री जी के इस्तीफे की बात हो रही है, लेकिन दूसरी जो भी बीजेपी पार्टी है वो कहती है कि गलत है, मंत्री जी ठीक है अपनी जगह। भाई हम तो सीधे कह रहे हैं, आपने बीमारी दे दी, आक्रोश की बीमारी, नफरत की बीमारी इस देश में। जब ये बीज आपने बो दिया है, ये सब उसी का तो परिणाम है। क्यों आप ये सम्मान नहीं करते कि दूसरे आदमी का भी कोई अधिकार है, वो भी तो इसी देश का नागरिक है, उसे जो बात गलत लगेगी वो विरोध करने का हक रखता है ना। कौन है आप जो उसे गवर्न करेंगे, उसे राष्ट्रद्रोही कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे इन किसानों को आप, खालिस्तानी कहेंगे इन किसानों को आप? हु यू आर? अधिकार किसने दिया आपको? ये देश संविधान से चलता है, और संविधान में मेरा भी एक वोट है, मोदी का भी एक वोट है, और अगर मोदी में नैतिकता है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए और योगी को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार किसान की डेफिनेशन ही नहीं जानते हैं। 75 सालों के इस देश को आज़ाद हुए, अब ये देश जागरूक हो रहा है। आप ये धर्म का मुलम्मा जितना बेचना सकते थे वो बेच के आप आखिरी मुकाम अपना पा चुके हैं, अब ये देश आपसे बदला लेगा।
वकील साहब, जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है, वहीं सरकारों के कुछ मंसूबे ठीक कि ट्रैक्टर सीधे चढ़ा दिए जाते हैं, गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं, मार दिए जाते हैं, और उसके बाद में आज तक कोई भी बीजेपी का नेता अभी तक कोई इस बारे में दो शब्द भी नहीं बोला। बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना। वो इस देश को जो बेचने का सिंडिकेट चल रहा है ना, ये सब उसमें भागीदार है। इस देश को बेचना है, गरीब करना है और गरीब करना है। स्टालिन का वो है ना कि मुर्गी सत्ता रियाया उस मुर्गी की तरह होती है कि उसके पंख रोच नोचते रहो और कुछ दाने चंद दाने डालते रहो तो मुर्गी पंख नोचने का दर्द भूंद के सिर्फ पेट की आग में ही व्यस्त रह जाएगी। बहुत कुछ गलत है इस देश में। 1857 की क्रांति पे जो कालिक इस खास वर्ग ने जो देश की सत्ता के धुरी में रहना चाहता है, उन लोगों ने जो कालिक पोती है, वो इस देश के साथ अपराध है। बहुत कुछ गलत है। कौन कहता है कि धर्म पूजा करने का ढंग, एक मेरा भाई पूरब में मुंह करके पूजा कर रहा है, एक पश्चिम में मुंह कर, वो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। धर्मांतरण क्या होता है? अबोध बच्चे का कोई धर्म हो सकता है क्या? आप क्यों तय कर सकते हैं? मुझे आध्यात्मिक शांति है धर्म और पूजा करने के ढंग का मतलब, तो मेरा अधिकार है कि मुझे आध्यात्मिक शांति कैसे मिले। मैं वाहेगुरु का नाम लूँ, मैं अल्लाह का नाम लूँ, मैं ईश्वर को पूजूँ, ये मेरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आप कौन होते हैं इस तरह के कानून बनाने वाले? बिल्कुल साहब, वो तो ह्यूमन राइट को जानते ही नहीं है ना। उनका तो ह्यूमन राइट वार्ड नगर के चाय बेचने से शुरू होता है और वहीं ख़त्म हो जाता है। उनकी शिक्षा का किसी को पता नहीं है, वो कहाँ से पढ़े और वो देश चला कैसे रहे और इस देश को चला कौन रहे। भाई यहाँ देखिए, डेमोक्रेसी जो होता है ना, डेमोक्रेसी बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है कई बार। मासेस को गवर्न किया जाता है, मासेस को हिप्नोटाइज किया जाता है, एंड ही इज द मास्टर ऑफ हिप्नोटिज्म। उन्होंने सिर्फ अपने आप को बेचना, ही इज अ प्रोडक्ट। वो कुछ पूंजीपतियों का प्रोडक्ट है। मोदी इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ही इज अ प्रोडक्ट। उसको बेचा और अपना हित साध रहे पूंजीवादी। इस देश का दुर्भाग्य कि नहीं पहचानता है। क्यों मेरा कोई भी नागरिक परेशान नहीं हो रहा कि आपको पेट्रोल 105 रुपये लीटर मिल रहा है, 92 रुपये आपका डीजल हो गया है। वो जो 100 रुपये का मोटरसाइकिल में तेल डला के युवा वर्ग यहाँ इस NCR में नौकरी कर रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे पूछो, इसे टैंकर भरवाना पड़ता है ट्रैक्टर का, खेत जोतने के लिए टैंकर भरता है, तब ये दाने पैदा होते हैं, तब हिंदुस्तान खाता है। इसका महत्व ही नहीं समझ रहे। उससे क्या होगा सर, उससे क्या होगा? तो मेरे खेत का, मेरे ट्रैक्टर का औसत ले लीजिए और 2000 उसमें घटा के भी मुझे बता दीजिए ना। मुझे 2014 से पहले की स्थिति पे गणित तो बता दीजिए। बेवकूफ नहीं बने थे 70 सालों में, जितने बढ़िया तरह से इन्होंने बनाए, बनाए तो बहुतों ने, और जितने बढ़िया इन्होंने बनाए, इतने बढ़िया आज तक बने ना थे। सड़कें डेवलपमेंट है कि शिक्षा डेवलपमेंट है? भूख में विकास हो गया है, भूख में विकास हो गया है, लोग और गरीब हो गए, लोग भूखे हो गए। और कौन सी सड़कों की बात करते हो मैडम, कौन सी सड़कों की बात करते हो? सब टोल दे के चलते हैं, इन पर टोल देना पड़ता है। ये प्राइवेट कंपनियों को दी गई, ये सरकार ने नहीं बनाई है। ये टैक्स से पैसे खून चूस के जो इस देश की जनता का हर माध्यम से खून चूसा जा रहा है, ये उस वो डेवलपमेंट नहीं है। आज 1000 रुपये चूरा गैस का सिलेंडर। आप उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, उन गरीबों के पास लकड़ी जलाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। तो हुम व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, अच्छा वो जलता है, मकसद सिलेंडर देना है कि मतलब धुएं से बचाना है? मकसद क्या है पहले क्लियर कर दीजिए, बत जाके सर्वे करिए मैडम कितने घरों में सिलेंडर जल रहा है। वहीं आपने धूप की बात करी जी, गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज दे रही है ना सरकार। तो सरकार को 5 स्टार में खाने का हक है क्या? अगर गरीब को सिर्फ 5 किलो अनाज ही मिलेगा इस देश के, तो सरकार 5 स्टार में क्यों खाएगी? सरकार भी अपने लिए MP और MLA के लिए 5 किलो फिक्स करे महीने में, उसी में गुजारा चलाए। वो बहुत
अच्छा, एहसान किया है इस देश के ऊपर। क्या कोरोना पे बात करेंगे, क्या मिसमैनेजमेंट में बात करेंगे, मैं फिर रो पड़ूंगा। लोगों को हाहाकार मचाते देखा है, ऑक्सीजन नहीं दे पाए लोग, दवाई और दूसरी चीज़ तो बाद की बात थी। वो बिल्कुल क्यों मानेंगे यार, इस प्रायश्चित करने के लिए आत्मा में ताकत चाहिए होती। प्रायश्चित वो करता है जो सच्चा होता। ये तो कुत्ते के बिल्ले पे रो सकते हैं, वो जो जीप लखीमपुर में चढ़ी है उस पर दो शब्द नहीं कह सकते हैं। हाँ तो ये भाई इनका अपना सोच है ना, ये आवाम के साथ नहीं जुड़े हैं, ये पूंजीवादियों के साथ जुड़े हैं, पूंजीपतियों के साथ जुड़े हैं, ये देश बेच रहे हैं, ये सिर्फ देश बेचने आए। यार ये सर्व मूर्ख बनाने का माध्यम है। धर्म हमेशा से ऐसा टूल रहा है, धर्म, जहाँ बहुत आसानी से इंसान को भय की वजह से मूर्ख बनाया जा सकता है, तो बहुत सशक्त माध्यम है। अगर नैतिकता है और संविधान में विश्वास है तो धर्म की बात राजनीतिक मन से होनी ही नहीं चाहिए। आप कहीं ना कहीं मीर बोध प्रकरण में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। जी सर, आपका क्या कहना है? मैं दुर्भाग्य और दुर्बल और कायर कहूँगा महंत योगी आदित्यनाथ को, जो उन्होंने घटना की है वो इतिहास ये पढ़ते नहीं हैं लोग, ये इतिहास जानना भी नहीं चाहते, ये तो अपने हिसाब से हिंदुस्तान को लिखना चाहते हैं और वो हम होने नहीं देंगे भाई। बिल्कुल मैडम, कार्रवाई हो रही है, इट्स अ मेलो ड्रामा व्हाट इज हैपनिंग। एक ओपोनेंट शट केस होता है, कुछ आंखों के सामने दिख रहा है, जो आंखों के सामने दिख रहा है, एक गरीब आदमी को तो आप किसी से भी लठिया सकते हैं, वेदर ही इज अ हीरो, ही इज अ VIP, आप पहले अरेस्ट कर लीजिए ना, 302 का मैटर है, यही तो मांग रहे हैं। अब ना कई दिन पहले की बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपने तुरंत तो अरेस्ट नहीं किया ना, लोगों को उसके लिए आवाज उठानी पड़ी। अरे हम ये कह रहे हैं मैडम, अरेस्ट भी किया है, बादशाह अंदाज में अरेस्ट किया है, अरेस्ट ऐसे नहीं किया जैसे एक आरोपी को, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, अपराधी नहीं कह रहा हूँ, अभियुक्त कह रहा हूँ, आरोपी कह रहा हूँ, तो आरोपी को आपको अरेस्ट करना चाहिए था, आपने लेट क्यों किया? XUV 300 किसी की पलट सकती है तो इसकी क्यों नहीं पलट सकती? इस पर बहुतायत में देश में आक्रोश है, पलटिए XUV 300 इसकी भी, अगर दम है तो, वरना ड्रामा बंद करिए। बहुत बर्दाश्त कर लिया हिंदुस्तान ने, अब नहीं बर्दाश्त करेगा। रिएक्शन होता है इज अ मॉब लिंचिंग, एक मॉब लिंचिंग, किसने सिखाया है मॉब लिंचिंग? गाय लेके जा रहा है रहीम घर में दूध पीने के लिए, उसको पीट के मार दोगे? किसने दिया है ये नागरिकों में इस तरह का जहर? जॉम्बीज किसने बनाया? इस देश का नागरिक जॉम्बीज बन रहा है, इसके लिए वो लोग दोषी हैं जिन्होंने विचारधारा समाज में दी, आपने जगाया नहीं। मैं बहुत लंबे समय से कहता हूँ यार, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद हिंदू और मुस्लिम जख्म था, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उसकी मरहम पट्टी करने की कोशिश नहीं की, उसमें लकड़ी डाल के उसे कुरेदा है, उसे जख्म बनाया, नासूर बनाया। ऐसे राजनीतिज्ञ जो उस जख्म को कुरेदते हैं ना, वो इस देश के दुश्मन, वो देश के कभी भला चाह ही नहीं सकते। बात धर्म से जातियों पर आ गई है। जी सर, भाई ये तो बांटने वाले हैं, ये कोई प्यार से जोड़ेंगे थोड़े ही, पहले आपको हिंदू और मुसलमान में बांट लिया, शेर मेरे सिख भाइयों का आप खालिस्तानी कहने लगे, ये जॉम्बीज किसी से भी बात करते हैं, सरदार का मतलब उन्होंने खालिस्तानी कह दिया। अरे डूब के मर जाओ यार, डूब के मर जाओ, तुम लोग बौद्धिक हो सकते हो? तुम तो वैसी जानवर हो, गवर्न हो रहे हो, भेड़ हो तुम। बिल्कुल निकाल देंगे, जो आवाज उठाएगा उसका भाजपा में कोई स्थान नहीं, वहाँ गुलाम रहते हैं, बादशाह की हुकूमत चलती है और गुलाम रहते हैं। जो अपनी बौद्धिकता दिखाएगा, जो मोदी जी को थोड़ा भी उनके विजन, उनकी उनका क्या कहता है उसे नैरेटिव, उनके एजेंडा से बाहर समझाने की कोशिश करेगा, यथार्थ कायना दिखाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही हैव सम श्रूड प्लान। ये देश में गरीब पीस दें, बिल्कुल ज़मीन में घुस जाएं, वो स्टालिन की उस मुर्ग की तरह हो जाएं कि उन्हें सिर्फ पंख नोचते रहो और मुर्ग दो खाने के दाने 5 किलो अनाज।
देते रहो, आवाज़ नहीं उठाएंगे। मैं एक चीज़ और कहता हूँ भाई, मैं गुजर बिरादरी से हूँ। आज से 1000 साल पहले एक बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट स्वामी देवनारायण गुजर समाज में हुए और मनुवादी व्यवस्था के प्रहार था वो 1000 साल पहले। उन मंदिर में जो सो कॉल्ड वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण है, उनका प्रवेश उनके देवरों में वर्जित, शिक्षा के अधिकार से आपने वंचित किया है, अछूत आपने इसी नागरिकों को भूला है, और आज आप भी आरक्षण विरोध की बात करते हैं। बड़ा दुख होता है साहब, उन देवनारायण को भी इस चमत्कारी बिजनेसमैन वर्ग ने, जो स्वयंभू सर्वश्रेष्ठ मानव है, उसने भगवान बना के पुजवा दिया। मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ, अरे इन महापुरुषों की शिक्षा पे ध्यान करो। अंबेडकर साहब की वो जो बगल में मूर्ति के बराबर में संविधान लगा है ना, महत उसका है। ये लोग ऐसे होते हैं जो गांव देहात में कुछ काम करवाना होता है ना, उसके उकसाते हैं। तो अंबेडकर की मूर्ति उकसावट है, और फिर उसको तोड़ना भी षड्यंत्र है, क्योंकि उस समाज की ऊर्जा केंद्रित सिर्फ मूर्ति लगाने और मूर्ति बचाने में रह जाए, वो समाज और कोई विषय और कोई मुद्दा सोच ना पाए, समझ ना पाए, उसका दिमाग कुंद कर दिया जाता है। जी क्या हो रहा है, क्या सवाल किया कि आपने लड़ाया है ना, वहाँ क्या लड़ाया है। मैं उस विज़न से भिन्न भी जो मैं बात कह रहा हूँ, वो विज़न मैंने कहा, हम प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि मिहिरभोज जी, गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिरभोज, पहले चक्रवर्ती सम्राट, उन्होंने, उनका सिर्फ जाति के नाम पे मत समझिए। अभी जाति तो यार वास्तविकता अगर अपने बांटा है तो जाति का मूल्य और महत्व है, क्योंकि इनहेरिटेंस की बात कर रहे हो, इनहेरिटेंस है ना भाई। मेरी ज़मीन का बंटवारा अगर होता है तो मेरे बाप का नाम होगा ना, मेरे दादा का नाम होगा ना, मेरे पड़बाबा का नाम होगा ना, इट्स अ मैटर ऑफ इनहेरिटेंस। हम ये कह रहे हैं कि आप गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिरभोज को समझने के लिए उनका जो राजकाल है, वो जो कन्नौज में उनकी राजधानी है, जो संस्कृति का केंद्र है, उनकी 36 लाख की चतुरंगणी सेना है, उन चीज़ों से सीखिए। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, चोरी चकारी नहीं है, अन्याय नहीं है, वो इतना स्वर्णिम इतिहास है भाई। जी जी, तो मैं राकेश टिकैत जी को, मैंने मेरा फेसबुक पेज देखेंगे तो मैंने उसी दिन लिखा था, राकेश टिकैत इज क्वाइट विजनरी पर्सन, जिसने देश जलने से बचाया लखीमपुरखीरी जाके। आप इसे कमजोरी कहते हैं, ये जॉम्बीज आलोचना करते हैं कि पैसे ले लिए राकेश टिकैत ने। अबे अगर राकेश टिकैत वहाँ नहीं पहुँचता तो इस देश में इतना बड़ा आंदोलन होता पता नहीं कितनी जाने जाती। धन्यवाद करना चाहिए उन बेवकूफों को, चौधरी राकेश टिकैत का। वकील साहब, ये भी तो कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत ने ही उकसाया लोगों को, किसानों को। यार देखो, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, जॉम्बीज जहनी मरीज, उनका इलाज नहीं है और उनके सवालों के जवाब भी नहीं दिए जा सकते। टिकैत जी योगी जी के सलाहकार नहीं, लखीमपुर की घटना को बस उतने ही विजनरी होकर देखिए जितना राकेश टिकैत जी ने देखा है। अगर वहाँ जाके उस आंदोलन उग्रता को शांत ना किया जाता तो पूरे देश में भयंकर आंदोलन होता। समझौता कराने वाले भी तो वही थे। उस भयंकर आंदोलन, आप सिर्फ उस स्पिरिट को पहचानिए कि कितना बड़ा विजन है उसके पीछे, ये समझिए महत्व तो इसका है। चर्चाएँ आलोचनाएँ, अकर्मण्य लोग भी आपके चरित्र में दाग लगाने लगते हैं, जिनकी खुद की चादरें छलनी छलनी होती हैं।